बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका सैयद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल फितना तो अशद्दु मिनल कातिल। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया जो फितना है ये कत्ल से ज्यादा सख्त है। हम अल्लाह की तौहीद को मानने वाले हैं, नबी का इश्क हमारे सीने में है और औलिया अल्लाह की जमात से हमारा ताल्लुक है और हमारे शाह सुलेमान पीर पठान कुल औलिया अल्लाह कराम का अकीदा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हजारा बिरादरी के मजलूम हो या कोई भी मजलूम इंसान हो, खा वो मुसलमान है गैर मुस्लिम है, उसको कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है। ये दरिंदों का काम है कत्लो गारत करना। इस्लाम हमें मोहब्बत और प्यार और अमन का दर्स देता है, इसलिए हम कातिलों की दरिंदों की मुजम्मत करते हैं, खा वो हजारा बिरादरी के कातिल हूँ या किसी पर भी वो हमला करते हैं। इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता। हम औलिया अल्लाह के मसलक पर हैं, औलिया अल्लाह का मिशन है माँ बराए वसल करदन आम देम, ने बराए फसल करदन आम देम। हम अल्लाह की मखलूक में मोहब्बत बांटने के लिए आए हैं। औलिया अल्लाह ने लंगर खाने कायम किए, भूखों को खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया। हम उन दरिंदा लोगों की मुजम्मत करते हैं जो मासूम जानों का कत्लो गारत करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। और दूसरा मसला ये है, एक मौलवी की मैंने वीडियो देखी, वो कह रहा है कि ये जो सूफिया कराम है ये पीरों से औलाद मांगते हैं। मैं उस मौलवी को चैलेंज कर रहा हूं कि मुल्क के जिस बाजार या जिस खुले एरिया में खड़ा हो जा, रेफरेंडम करवा ले, हजारों बंदों से पूछो, मुसलमानों से पूछो कि औलाद कौन देता है। हजारों लोग कहेंगे कि औलाद देने वाला अल्लाह है। बुजुर्गों से, पीरों से, कामिलीन से तो दुआ मंगवाई जाती है, ये किसका अकीदा है कि बेटे पीर देते हैं। इसलिए मौलवी अगर सरे बाजार हजारों ने ये गवाही दे दी कि बुजुर्ग पीर फकीर दुआ करते हैं औलाद देने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो फिर तेरे ऊपर जूते पड़ेंगे। कलमा पढ़ने वालों पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। हेक के हेक दी दम दम सेक के हेक कु जेरा नू कर जाने ओ काफिर मुशरिक के। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले क्या देते हैं? वो दर्द दिल की दवा देते हैं। वो खुदा तो नहीं है, एक नजर से अल्लाह से मिला देते हैं। हम उनसे दुआएं जरूर मंगवाते हैं, करने वाला सब कुछ खुदा है। ए मौलवी, लोगों को गुमराह मत कर। अल्लाह हक सलातु वस्सलाम अलैका सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।